गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने एक पार्ट देखा था जिसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर, ठीक है। और एसी जनरेटर जो है उसका हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, एंड दैट इक्वेशन वॉज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी द ई एम एफ जनरेटेड ओके इन एसी जनरेटर ओके इज फंक्शन ऑफ टाइम, और उसका वैल्यू क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है ओके। तो मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले ओके आप लोगों ने जो एसी जनरेटर का कंसेप्ट है ओके, या जो एसी जनरेटर का जो मैंने लेक्चर कंडक्ट किया था ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, चाहिए तो वो लेक्चर एक बार वापस देख लो, या अगर आपको बहुत अच्छे से समझाए ओके यस स्टिल यू रिवाइज द कंसेप्ट, वो जो डेरिवेशन है उसको एक बार अच्छे से देख लेना आप लोगों ने ओके। आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे मेक श्योर कि ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एसी जनरेटर का कंसेप्ट आप लोगों का एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है यस। एनीवे तो ये इक्वेशन भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसको मैं नंबर दे देता हूं, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज ओके आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू ओके कि पॉजिटिव करंट एंड नेगेटिव करंट क्या है, और इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, आई टेक हेल्प ऑफ डीसी यानी डायरेक्ट करंट ओके। तो मैं चाहता हूं आप लोगों ने ध्यान देना, लेट अस से मैं बोलता हूं कि एक सर्किट है और इसमें मैंने एक ईएमएफ सोर्स लगाया हुआ है ओके, दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां पे आपको की दिखाना है, दिखा सकते हो, मैं एक प्लग की दिखा देता हूं ओके। सी जब मैं प्लग की इंसर्ट करूंगा ओके तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, कन्वेंशनल करंट ओके। अब ये जो कन्वेंशनल करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके यस। लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी छोड़ दो, चलो मैं आपको बोलूंगा आप सिर्फ फोकस करो पार्ट ए बी के ऊपर। तो मैं पूछूंगा कि करंट ए बी के अंदर कैसा फ्लो हो रहा है, आप बोलोगे सर ए से लेके बी फ्लो हो रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कन्वेंशनल करंट जो है ना वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यानी पहले पॉइंट ए पे आ रहा है ओके एंड पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है ओके। तो ए से बी मैं ऐसा एज्यूम करूंगा, ए से बी इज बेसिकली वॉट ओके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अनुसार है ये ओके, एंड इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी ओके आई विल से इट इज पॉजिटिव ओके। लेट अस से मैं बोलता हूं कि द ईएमएफ ओके ऑफ द बैटरी इज वॉट, या ईएमएफ ऑफ द सेल इज 5 वोल्ट ओके। तो ऐसे केस में बोलूंगा ई इज इक्वल टू वॉट आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर ओके। यहां पे मैं एक और बात बोलता हूं कि मैं बोलता हूं लेट अस से आर इज निग्लिजिबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऐसे केस में मैं बोलूंगा ई इज इक्वल टू वॉट आई इंटू कैपिटल आर, मैं बोलूंगा लेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी इक्वल टू 1 ओम, ये जो पूरी वायर है ना इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम ओके। ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओके अगर ईएमएफ का वैल्यू 5 वोल्ट है तो मुझे मिलेगा 5 इज इक्वल टू वॉट आई इंटू 1, देयरफॉर आई इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज गोइंग टू बी 5 एम्पियर। बोलने का मतलब क्या है कि यहां पे जो करंट फ्लो होगा दैट करंट विल बी ऑफ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जो आप ईएमएफ ओके सप्लाई कर रहे हो वो भी कांस्टेंट वैल्यू का है ओके। तो अगर मैं ओके करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा ओके, आई वांट यू पीपल टू प्लीज पे अटेंशन, दिस इज योर करंट आई वर्सेस टाइम टी ओके। यहां पे मैं ठीक है ऐसा लिख देता हूं, दिस इज करंट आई वर्सेस टाइम। अब आपको यह पता चल रहा है कि बस इनिशियली ओके जब मैंने की को प्लग किया तो कुछ टाइम के लिए यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ओके हम लोग बोलेंगे करंट का वैल्यू जीरो से बढ़ के 5 तक हुआ ओके। यानी यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा देखो, जीरो से बढ़ के यानी एकदम छोटे टाइम इंटरवल के लिए जीरो से बढ़ के 5 एम्पियर पे पहुंचा हुआ, यह आपका जीरो का पॉइंट था। लेकिन उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि करंट का वैल्यू कैसा रहा, स्टेडी रहा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने ये
एक साइड की लाइन बताई है। लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो डीसी होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ओके, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये सबको आया समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, ओके, सो यू आर सेइंग बेसिकली आई इज इक्वल टू प्लस 5 एम्पियर। सर अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं आई इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी जो मैंने बैटरी है, ओके, यस, वो मैंने रिवर्स लगा दी। क्या किया मैंने? बैटरी को रिवर्स लगा दिया। अब बैटरी को रिवर्स लगाने की वजह से मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इंटरचेंज हो गए, तो जो पहले करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, ओके, अब वो करंट कैसा फ्लो होगा? इट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आ रहा है आपको समझ में? नाउ इट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा, ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्यों हो रहा है? तो मैंने बैटरी को रिवर्स लगा दिया, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। सो फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट ऐसा फ्लो हो रहा है अभी, डी से सी, सी से बी, एंड नाउ इट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ओके। तो यहां पे ध्यान देना है आप लोगों ने, ओके, नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ओके, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर, ओके, सेइंग दिस इज नेगेटिव। वी आर ट्राइंग टू से ये जो है वो क्या है? नेगेटिव। तो आपको ये बात समझना है, अल्टरनेटिंग करंट में, ओके, ऐसा होगा कि कभी करंट का वैल्यू पॉजिटिव है और कभी करंट का वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जब करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, ओके, तो सर्किट में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और करंट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वही टाइम इंटरवल में, ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है उसमें करंट ने अपना डायरेक्शन क्या किया? रिवर्स कर दी। तो पहले, ओके, जो क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा था अब वो एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, सो सिंपल भाषा में मैं ऐसा बोलूंगा, जब करंट ए से बी ऊपर के तरफ फ्लो हो रहा था देन इट वॉज प्लस 5 एम्पियर, लेकिन जब वो बी से ए फ्लो हो रहा है देन इट इज गोइंग टू बी माइनस 5 एम्पियर। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। ठीक है, अच्छा, ये केस में ये भी ट्रू है कि अगर मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाता हूं, अच्छा, ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बता देता हूं। ओके, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, ये थोड़ा सा छोटा ग्राफ कर रहा हूं मैं। ओके, सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मुझे अगर प्लस 5 एम्पियर दिखाना है, ये आपकी जीरो की लाइन है, ओके, दिस इज योर टाइम एक्सिस टी, और ये आपका करंट एक्सिस है आई। ओके, तो करंट एक्सिस आई पे ये जो लाइन है स्टेडी करंट की वो है हमारी प्लस 5 एम्पियर की। ओके, यस, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, प्लस 5 एम्पियर। ठीक है, आप माइनस 5 एम्पियर की लाइन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एकदम सिंपल, सेम डिस्टेंस पे आप नीचे एक लाइन बना दो, दिस इज ऑफ माइनस 5 एम्पियर। ये समझ में आया आपको? ओके, हाँ, अभी आप बोलोगे सर अगर मुझे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है या ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या रहेगा? सेम लॉजिक, लेट अस से नाउ द वर्टिकल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग ईएमएफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा प्लस 5 वोल्ट, ये आपका 0 वोल्ट रहेगा, दिस इज ऑफ, या आप ऐसे बोलते हो ये जो पॉइंट है वो 0 का है, 0.0, 0 वोल्ट एंड 0 सेकंड। ये जो पॉइंट यहां पे था दैट वाज ऑफ 0 सेकंड एंड 0 एम्पियर। लॉजिक आ रहा है समझ में? ओके, उसी तरह से यहां पे भी हम लोग बोलेंगे जो इसका एक्स एक्सिस है वो 0 सेकंड, 0 वोल्ट। तो प्लस 5 वोल्ट ऊपर आएगा एंड माइनस 5 वोल्ट नीचे आएगा। ओके, तो ये सब आपको टेक्सटबुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसी सर्किट्स समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। ओके, यस, अच्छा, अभी ये पूरे डिस्कशन में एकदम दो सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको वो आंसर करने के लिए आता है, ओके,
तो इसका मतलब मैं समझूंगा कि ये जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छे से समझा है, ठीक है। यस, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई एम सेइंग करंट इज फ्लोइंग ओके इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी आर एज्यूमिंग द करंट इज पॉजिटिव ओके। अब अगर करंट नेगेटिव होता है तो ऐसे इसमें करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको आंसर आना चाहिए सर इट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओके। आई होप ये समझा। अगर मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा यदि ए से बी ऐसा फ्लो हो रहा है करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव है और अगर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा है, ठीक है, प्लीज नोट दिस ओके। तो आई होप जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक्स पर जाना है, पेज नंबर 288 ओके। ये फर्स्ट पेज है आपका एसी सर्किट्स का ओके। प्लीज सी वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ओके। इन स्कूल यू हैव लर्न दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके। पहला वाला जो है वो है डीसी, द डायरेक्ट करंट विच हैज़ फिक्स पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ओके, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ द पावर सप्लाई आर फिक्स्ड। ये हम लोगों ने अभी देखा है थोड़ी देर पहले ओके। उसके बाद एसी, एसी यानी हम लोग क्या बोलते हैं, द अल्टरनेटिंग करंट फॉर विच द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज कीप चेंजिंग पीरियोडिकली ओके। वी हैव स्टडीड द जनरेशन ऑफ एसी इन प्रीवियस चैप्टर्स ओके। बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट वी नॉर्मली यूज एसी ओके फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान में रखना है ओके। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि जो हमारे घर के अप्लायंसेज होते हैं ओके, यस, जितने भी अप्लायंसेज होते हैं दे आर बेसिकली मेड टू वर्क ऑन डीसी ओके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जैसे दिया हुआ है सम ऑफ द अप्लायंसेज ओके दैट वी यूज एट होम और ऑफिसेज लाइक टीवी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर रेडियो एटसेट्रा ओके दे वर्क ऑन डीसी। वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट एसी टू डीसी बाय यूजिंग अ डिवाइस सच एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में सीखेंगे ओके। यस, However, there are some domestic devices like fan, fridge, air conditioner, okay, induction heater, coil heater, washing machine भी एक हो गया उसमें which run directly on AC, okay, yes, ऐसे कुछ devices है जिनको हम लोग directly AC supply क्या करते हैं, provide करते हैं okay? लेकिन हम लोग बोलते हैं almost all these devices use components like an inductor and a capacitor. In this chapter, we'll study the passage of AC through resistors, inductors and capacitors, okay? तो हम लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्टली एसी के ऊपर वर्क करते हैं ओके, वो जो डिवाइसेस हैं उसमें हम लोग बोलते हैं देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स और यू कैन से पार्ट्स लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और उसमें से पावर किस तरह से सप्लाई होती है वो हम लोग ये टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है। यस, नाउ स्टार्टिंग विथ दिस इक्वेशन अगेन ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यह बस इंट्रोडक्शन पार्ट था ओके। यस, अभी मेन जो हमें लिखना है, मैं आपको जो यहाँ पे लिख के दूंगा आप लोगों ने उस पर ही फोकस करना है ओके। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग तरीके से दी हुई, ठीक है। सी, जो एसी जनरेटर का इक्वेशन है दैट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओके। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं ई एम एफ वर्सेस टाइम, ई एम एफ दैट इज जनरेटेड वर्सेस टाइम, तो हमें यह पता चलता है कि इसका जो ग्राफ है उसका नेचर कुछ इस तरह से, इट इज साइनुसॉइडल इन फॉर्म लाइक दिस। तो इसके मैंने दो साइकिल्स बनाए हुए, ठीक है। ये दो साइकिल्स में हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऊपर के दो पीक्स दिख रहे हैं आपको क्रेस्ट, वो इंडिकेट करते हैं प्लस ई नॉट, और नीचे के मैं बोलूंगा जो दो पीक दिख रहे हैं नेगेटिव एक्सट्रीम के उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, और जो ट्रफ है दैट इंडिकेट्स माइनस ई नॉट ओके। तो हम लोग बोलते हैं अगर मैं ईएमएफ का इक्वेशन ये लिखता हूं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं विद द चेंज इन टाइम इंटरवल ओके, ईएमएफ का वैल्यू भी चेंज होता है और उसकी पोलैरिटी भी चेंज होती है। यानी यहां से मैं ऐसा बोलूंगा जीरो से लेके दिस इज योर पाई बाय टू ओके,
जीरो से लेके पाई बाय टू जब फेज होता है, अब पाई बाय टू फेज का मतलब क्या, ओके तो ऑसिलेशंस टॉपिक में मैंने आपको सिखाया हुआ है, ओके पाई बाय टू का मतलब है 1/4 ऑफ साइकिल, ओके तो मैं बोलूंगा एसी में क्या होता है, जीरो से लेके 1/4 ऑफ साइकिल में, ओके जो वोल्टेज का वैल्यू है वो वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है और वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, ओके दिस इज 1/4 ऑफ साइकिल। फिर पाई बाय टू से जो अगला पॉइंट है दैट इज ऑफ पाई, पाई बाय टू से पाई क्या होता है, ई नॉट से वैल्यू वापस जीरो पे आती, ओके यस ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि इन द नेक्स्ट ओके हाफ ऑफ द साइकिल हम लोग बोलेंगे जो वैल्यू है वो जीरो से माइनस ई नॉट पे आएगी, ओके ये कौन सा फेज रहेगा, सो विल से इट विल बी बिटवीन पाई एंड 3π/4, सो बिटवीन पाई एंड 3π/4, ओके वैल्यू ऑफ ई विल यू कैन से रिड्यूस नहीं बोल सकते लेकिन नेगेटिव एक्सट्रीम में इंक्रीज होगी, ओके तो वो जीरो से माइनस ई नॉट पे आती है और फिर 3π/4 से ये जो पॉइंट है इट इज ऑफ 2π रेडियन, ये आपका 0 रेडियन का था, ये 2π रेडियन का है, ओके 3π/4 से 2π, ओके अगेन जो उसका वैल्यू है माइनस ई नॉट से क्या हो जाता है, इट विल गो टू 0, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे सपोज ये ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अ कंडक्टर एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे बताऊंगा, लेट अस से द कंडक्टर इज ए बी, ओके और मैं ऐसा बोलता हूं कि इनिशियली द वैल्यू ऑफ EMF इज 0 वोल्ट, इसका मतलब मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में ओके कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओके यस फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो EMF का वैल्यू है ओके वो बढ़ते जा रहा है और वो जीरो से हम लोग बोलेंगे इट विल मूव टू ई नॉट, जब वो जीरो से ई नॉट बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि यहां पे भी करंट फ्लो होना चालू होता है और वो करंट का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज होते जाता है, जैसे जैसे EMF का वैल्यू बढ़ता है जीरो से ई नॉट करंट का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके यस बट वो करंट कैसा फ्लो होगा, इट विल फ्लो ओके फ्रॉम ए टू बी, ओके यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि इनिशियली अगर 0 एम्पियर है करंट ओके तो मे बी कहा तो भी बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ओके 0 एंड π/2 के बीच में, ओके हम लोग बोलेंगे करंट का वैल्यू ए से बी फ्लो रहा था लेकिन 1 एम्पियर होगा, फिर 1.5 एम्पियर होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो 5 एम्पियर हो गया, बट उसका डायरेक्शन कैसा था, ए से बी था, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉइंट से जब EMF का वैल्यू कम होते गया ओके यानी प्लस ई नॉट से जीरो होते गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका एसी करंट है एसी करंट का वैल्यू भी क्या होगा, कम होते जाएगा, ओके हाँ एसी करंट का वैल्यू कम होगा, अभी कैसे कम होगा, तो 5 एम्पियर से वापस क्या होगा, मे बी 4 एम्पियर, फिर बाद में 3 एम्पियर, ओके ऐसे करते करते वापस 0 एम्पियर होगा। तो जब EMF आपका वापस जीरो हो जाएगा ओके तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो, लेकिन ओके ये जो पूरा पहला हाफ है साइकिल का ओके उसमें एक बात पक्की है कि जो भी कुछ करंट फ्लो हो रहा था जीरो हो या मैक्सिमम हो या जो भी पर्टिकुलर वैल्यू हो वो करंट हमेशा ए से बी ही फ्लो हुआ है, ठीक है ये पॉइंट आया समझ में। अब ये भी आपको समझना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे EMF का वैल्यू बढ़ रहा है साइमल्टेनियसली करंट का भी वैल्यू बढ़ रहा है, साइमल्टेनियसली करंट का भी वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि मैं करंट का इक्वेशन लिख सकता हूं I = I0 sin ωt, जैसे EMF का इक्वेशन है वैसे ही आपका क्या है, करंट का भी इक्वेशन है, ठीक है यस और ये एक पर्टिकुलर केस में ट्रू होता है, ओके दिस इज ट्रू फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ओनली इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ओके थियोरेटिकली आप बोल सकते हैं, ओके यस हाँ जहां पे इंडक्टर है और कैपेसिटर भी लगाया हुआ है हम लोगों ने, यानी इंडक्टेंस भी अवेलेबल है और कैपेसिटेंस भी अवेलेबल है, ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं कि आपका करंट का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो जो इक्वेशन है ओके वो हो जाता है I = I0 sin ωt + α। लेकिन ये इक्वेशन क्या है ना, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अभी तो हमें ये समझना है कि जो नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल रहेगा उसमें क्या होगा, ओके अभी हम लोग ये कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, EMF का इक्वेशन ये है और करंट का इक्वेशन ये है, ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल। नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में
जो ईएमएफ का वैल्यू जीरो है, जीरो से अब क्या हो गया, वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ गया। तो जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जो आपका करंट अभी जीरो एम्पियर है, ओके, इट विल मूव टूवर्ड्स माइनस फाइव एम्पियर, जो पिछला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। ओके, जब ई नॉट का वैल्यू 5 वोल्ट है तो आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। तो उसी तरह से जब ई नॉट, ओके, नेगेटिव है आपका, माइनस ई नॉट है, माइनस 5 वोल्ट है, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस 5 एम्पियर। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में, ओके, जो हमारा करंट है उसका वैल्यू फ्लक्चुएट होगा, बट उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो ये बात समझ लो कि एसी के एक साइकिल में, एसी के एक साइकिल में हम लोग बोलते हैं करंट फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में ए से बी फ्लो हो रहा है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में बी से ए फ्लो हो रहा है। और यह भी आपको समझना है कि उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है। ओके, यस, यानी जब ए से बी भी फ्लो हो रहा है तो उसका वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है। ओके, यस, चाहिए तो करंट के लिए भी मैं ग्राफ बता देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज गोइंग टू बी माइनस आई नॉट। ओके, सो फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में हम लोग बोल रहे हैं करंट ए से बी फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, ए से बी ही फ्लो होगा बट वो स्टेडी नहीं रहने वाला है। ओके, यस, वो धीरे धीरे जीरो से फाइव एम्पियर होगा और फिर वापस उसका वैल्यू घटेगा, बस डायरेक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में हम लोग बोलेंगे, ओके, उसका जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाता है। सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ओके, और बी टू ए जब फ्लो हो रहा है तो अगेन उसका वैल्यू जीरो से नेगेटिव, यानी जो हम लोग बोल रहे हैं आई नॉट का जो वैल्यू है दैट इज माइनस फाइव एम्पियर। ओके, तो माइनस फाइव एम्पियर तक जाएगा। ओके, और वापस हम लोग बोलेंगे वो घटेगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, नाउ मैं आपको यह भी समझा देता हूं फॉर एसी सर्किट्स। ओके, ओके, विच हैव रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस प्लस कैपेसिटेंस। ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा करंट का इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो इक्वेशन क्या बन जाता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एल्फा। ओके, यस, इसका मैं आपको एक छोटा सा केस बता देता हूं। ओके, लेट अस से मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर सर्किट ऐसा है, ओके, जहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो एल्फा है, ओके, वो एल्फा का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू लेट अस से पाई बाय टू। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अगर अल्फा का वैल्यू पाई बाय टू है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ का जो ग्राफ है मैं रिपीट कर रहा हूं, और ईएमएफ का ग्राफ मैं सॉलिड लाइन से बनाऊंगा लाइक दिस। मैं आपको सिर्फ एक केस बता रहा हूं, ओके, कि लेट अस से अगर अल्फा पाई बाय टू हुआ तो ये अल्फा पाई बाय टू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपको मिलेगा आई इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट, ओके, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये ध्यान में रखना है, ठीक है? यस, सो आपका ये इक्वेशन क्या बन गया, आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब कोसाइन नेचर होने की वजह से हम लोग बोलेंगे, ओके, जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, ओके, तो हमारा जो ई एम एफ है, ओके, उसका वैल्यू जीरो है, बट यहां पे अगर मैं ओमेगा टी का वैल्यू जीरो डाल देता हूं तो आपका आई का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स आई नॉट। यानी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो आपका जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम, लेकिन जो ईएमएफ रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। यानी ई का वैल्यू रहेगा जीरो, आई का वैल्यू रहेगा आई नॉट, ठीक है? यस, अब हम लोग बोलेंगे कि जब ओमेगा टी का वैल्यू इट बिकम्स पाई बाय टू, ऐसे केस में साइन पाई बाय टू क्या हो जाता है, इट बिकम्स वन, तो आपका ईएमएफ का वैल्यू बन जाता है ई नॉट। ईएमएफ का वैल्यू क्या बन जाता है, इट बिकम्स ई नॉट। लेकिन जो करंट का वैल्यू है, ओके, अब ऐसा समझ लो यहां पे ओमेगा टी अगर मैंने पाई बाय टू डाल दिया तो कॉस पाई बाय टू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो।
यानी आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो. सो एट दिस पॉइंट करंट का वैल्यू फॉल होके जीरो पे आ जाता है. तो आपका करंट का ग्राफ जो है ना, वो मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूं. आई होप अभी आपको आ रहा है समझ में. ओके यस. तो ये केस में हम लोग ऐसे बोलेंगे, जो करंट की साइकिल है वो पहले ही चालू हो चुकी है. ये आपको आ रहा है समझ में? ये देखो, ये करंट की पूरी एक साइकिल है. तो जो डॉटेड लाइन है वो पहले ही चालू हो गई है. ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सॉलिड लाइन. इसका मतलब सर्किट में पहले करंट का वैल्यू, ओके, करंट फ्लो होना चालू हो गया और बाद में वोल्टेज डेवलप होना चालू हुआ. अब ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग आगे, ओके, एसी सर्किट्स विद इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स सीखेंगे, ओके, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे. लेकिन मैंने बस आपको ये एक केस बताया कि जब अल्फा, ओके, ये वाला इक्वेशन, अगर मैं अल्फा पाई बाय टू कंसीडर कर रहा हूं, ओके, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा. आई होप आपको ये समझ में आया. इसको क्या करना है, प्लीज अच्छे से नोट करना है. इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा, ओके, तो प्लीज पूछना है. तो आई होप आपको जो पिछला कंसेप्ट है, ओके, फेज डिफरेंस का, वो अच्छे से समझ में आया है. ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे. बट एनीवे, अभी हम लोग क्या करेंगे, विल फोकस ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, विच इज द एवरेज वैल्यू एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि जो एसी करंट है, लेट अस से वी रिप्रेजेंट इट बाय एन इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, अभी आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने बोला साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस से अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू क्या है, इट इज जीरो. तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, 100% राइट है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. ओके, वी आर एज्यूमिंग इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है, अब ऐसे केस में लेट अस से मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं. ओके, ग्राफ बनाने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट करूंगा, बराबर है. ओके, व्हाट विल डू इज फर्स्ट आई विल ड्रॉ ग्राफ. ओके, आई होप ये ग्राफ ठीक ठाक है. ओके, मैं बोलूंगा ये पीक वैल्यू है, दिस इज आई नॉट, और ये जो है दैट इज माइनस आई नॉट. ठीक है, अब पहली बात तो ये समझ लो कि हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट सीखा है. ओके, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट अस से मैंने उसको एमीटर में कन्वर्ट किया. ओके, अब क्या है ना, अगर मैंने ये एमीटर डीसी सर्किट में लगाया तो वो मुझे एक स्टेडी रीडिंग देगा. फॉर एग्जांपल ये जीरो है. ओके, लेट अस से वो 10 या 20 एम्पीयर की मेरे को एक स्टेडी रीडिंग दे रहा है. ओके, लाइक दिस जीरो है, दिस इज 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, दिस इज 30 एम्पीयर. ओके, ये आपका -10 है, ये -20 है, ये आप लोगों ने स्कूल में देखा रहेगा. तो जब आप डीसी को अप्लाई कर रहे हो, लेट अस से +20 एम्पीयर का पॉइंटर एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा लाइक दिस. ओके, लेकिन जब बात एसी की आती है, ओके, तो एसी के इसमें क्या होगा कि सर्किट में जो करंट है उसका वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट का डायरेक्शन भी फ्लक्चुएट हो रहा है. तो ऐसे इसमें क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर है एमीटर का, ओके, वो जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम एंड वापस फिर हम लोग बोलेंगे जीरो. तो वो इस तरह से फ्लक्चुएट होते रहेगा. अब ऐसे केस में जब वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का नेचर ही वैसा है, तो हम लोग बोलेंगे एट अ गिवन टाइम इंटरवल या एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट. ओके, अगर मेरे को करंट का वैल्यू मेजर करना है तो हम लोगों के लिए क्या है, वो हाईली इम्पॉसिबल है. हाँ, हम लोग ये मेजर कर सकते हैं कि उसका पीक वैल्यू क्या है. तो आप क्या बोलोगे, सर ये +30 और -30 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है. तो इसका आई नॉट का वैल्यू है +30 एम्पियर और माइनस आई नॉट का वैल्यू जो है नेगेटिव का जो है दैट इज -30 एम्पियर. लेकिन एट अ गिवन टाइम इंटरवल उसका वैल्यू क्या है, तो एसी में हम लोग वो मेजर करना हमारे लिए थोड़ा टफ है. हाँ, हम लोग इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली वो मेजर करना हमारे लिए क्या है, टफ है. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी गो फॉर एवरेज वैल्यू. अब एवरेज वैल्यू यानी क्या है, तो एकदम सिंपल है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं. लेट अस से एट टाइम इंटरवल
अभी हम लोग जो भी टाइम इंटरवल रह गए ना वो टी बाय एट का लेने वाले हैं। स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू टी बाय एट। ओके, मैं आपको बता देता हूं, ये जो पीक है ये आपका टी बाय फोर पे आता है, ये थ्री टी बाय फोर पे आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब टी बाय एट यानी क्या है, तो जीरो और टी बाय फोर के बीच में। ओके, तो लेट अस से ये जो पॉइंट मेरे को मिल रहा है, ओके, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जो मेरे को वैल्यू मिल रहा है उसको मैं आई वन बोल देता हूं। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है आई वन, आप बोलोगे सर आई वन जीरो ही रहने वाला है क्योंकि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे अगर मैंने सब्सिट्यूट किया टी इक्वल टू जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। आपका आई जो है वो आई वन बन रहा है, बट आई वन का वैल्यू क्या रहने वाला है, जीरो। ये पॉइंट को मैंने आई वन बोल दिया। नेक्स्ट पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, इन द टाइम इंटरवल ऑफ टी बाय एट मुझे अगला पॉइंट मिल रहा है आई टू। ओके, यस, तो मैं बोल रहा हूं मुझे आई वन का वैल्यू क्या मिला है, इट इज जीरो। आई टू का जो वैल्यू है, लेट अस से आई टू का जो वैल्यू है उसको मैं बोल देता हूं आई डैश बोल दिया मैंने उसको, क्या बोल दिया, आई डैश। ठीक है, उसके बाद फिर वापस टी बाय एट टाइम इंटरवल पे, यानी टी बाय एट प्लस टी बाय एट यानी कितना हो गया टी बाय फोर, तो वहां पे जो मेरे को वैल्यू मिल रहा है उसको मैं बोलता हूं आई थ्री, एंड आई थ्री का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू आई नॉट। तो मेरा आई थ्री का वैल्यू क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज आई नॉट। ओके, आई डैश क्या है, आई डैश इज एनी रैंडम वैल्यू। ओके, ठीक है, उसके बाद मैं वापस इक्वल टाइम इंटरवल पे जाता हूं, तो वहां पे मुझे ये पता चलता है आई विल गेट अ नेक्स्ट पॉइंट विच इज व्हाट, आई फाइव, एंड आई फाइव का वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, आई टू। देखो ये आपका टी बाय एट है, ओके, तो टी बाय एट से टी बाय फोर हम लोग बोलेंगे वो टाइम इंटरवल कितना रहने वाला है उन दोनों के बीच में भी, टी बाय फोर माइनस टी बाय एट करके देखो आपको क्या मिलेगा, टी बाय एट। तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे मैं क्या कर रहा हूं, ओके, करंट के वैल्यू मेजर कर रहा हूं, तो आई टू से आई थ्री टी बाय एट टाइम लगा है, तो मैं बोलूंगा अगले टी बाय एट में आई थ्री का जो वैल्यू है इट विल बिकम आई फाइव, और आई फाइव और आई टू इट विल बी इन द सेम लेवल, उनका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि आपका, सॉरी आई फाइव नहीं रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी आई फोर। ओके, इसको मैं आई फोर लिख देता हूं, आपका आई फोर दैट इज गोइंग टू बी वॉट इक्वल टू आई टू विच इज इक्वल टू वॉट आई डैश, ये क्लियर है। और फिर अगले टाइम इंटरवल में हम लोगों को टी बाय टू मिल जाता है, यानी एक साइकिल, वन हाफ ऑफ द साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और जो ये पॉइंट रहने वाला है ये पॉइंट को मैं बोल दूंगा दिस विल बी आई फाइव, और आई फाइव का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, ये क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल। अब सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल की बात करते हैं, सेकेंड हाफ में हम लोग क्या बोलेंगे जो आपका आई फाइव है, ओके, ये सेकेंड हाफ में भी आई फाइव पॉइंट आता ही है, तो आई फाइव का वैल्यू क्या है, इट इज जीरो। ओके, मैं बोलूंगा अगला जो पॉइंट आ रहा है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई सिक्स। ओके, फिर जो पॉइंट रहेगा उसको मैं बोल दूंगा आई सेवन, और फिर जो पॉइंट मुझे मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी आई एट, और ये जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी आई नाइन। ठीक है, अब जो वैल्यूज पॉजिटिव हाफ में है ना, सेम वैल्यूज रिपीट होने वाली है लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। तो बोलने का मतलब है आपका आई फाइव तो जीरो है, आई सिक्स का जो वैल्यू रहेगा ना, ओके, आई सिक्स और आई एट का वैल्यू सेम रहने वाला है। तो ये अगर आपका आई डैश था, ये आपका रहेगा माइनस आई डैश। और ये क्यों पॉसिबल है, तो हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल्स पे मेजर कर रहे हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा आई सिक्स इज इक्वल टू वॉट, आई एट इज इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी माइनस आई डैश, ये क्लियर है। ठीक है, और आई नाइन का जो वैल्यू है, आई नाइन के पहले आई सेवन जो है वो भी देख लेते हैं, आई सेवन का जो वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी माइनस आई नॉट। और आई नाइन का जो वैल्यू रहेगा, आई नाइन वापस कहां पे आके मिल रहा है, तो टाइम एक्सिस को मिल रहा है, यानी आई नाइन का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अगेन जीरो एम्पियर। ओके, अब आप बोलोगे सर ये सब जो डेटा है ये डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा फॉर कंप्लीट साइकिल, ओके, विल से आई एवरेज का जो वैल्यू है, ओके, आई एवरेज का वैल्यू विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री
प्लस आई फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स प्लस आई सेवन प्लस आई एट प्लस आई नाइन होल डिवाइडेड बाय नाइन। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं ऐसे बोल देता हूं कि I1, I5 और I9 तीनों का वैल्यू क्या है, शून्य है, तो उसको नहीं पकड़ा तो भी चलेगा। उसके बाद मैं बोलूंगा I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू इज इक्वल टू I डैश, I3 का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू I नॉट, I4 का वैल्यू क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू I डैश, ओके यस। उसके बाद I6 पे जाते हैं, I6 का वैल्यू क्या है, इट इज माइनस I डैश, ओके। I सेवन का जो वैल्यू है दैट इज माइनस आई नॉट, आई एट का जो वैल्यू है वो आई सिक्स जितना ही है, दैट इज गोइंग टू बी माइनस आई डैश होल अपॉन नाइन। तीन वैल्यूज तो जीरो है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, तो यहां पे छह वैल्यूज है और ये छह वैल्यूज देखो, ये आई डैश ये माइनस आई डैश कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट माइनस आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, आई डैश माइनस आई डैश कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी जीरो अपॉन नाइन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आई एवरेज का वैल्यू, ओके आई एवरेज, ओके ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम लोग ओके एवरेज करंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या एसी के लिए, नहीं। कॉमन सेंस है, फर्स्ट हाफ के जितने पॉइंट्स रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड हाफ में उसको इक्विवेलेंट पॉइंट्स रहेंगे लेकिन वो सब नेगेटिव रहेंगे, तो वो सब पॉइंट्स और ये नीचे के जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के पॉइंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ओके एंड दे मेक इट व्हाट, नल। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एवरेज वैल्यू निकालो लेकिन नॉट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ओके यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ओके फॉर द हाफ साइकिल। ठीक है, यस मैं चाहता हूं कि ये जो है चाहिए तो आप लोग इसको नोट कर लो, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया हुआ है ओके आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके तो मैंने ये पार्ट इरेज कर दिया। एनीवे जो पहला रिजल्ट मिला है उसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया। ठीक है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक और मेथड है कि अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है ओके यूजिंग फेज एंगल भी हम लोग को निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोगों ने पॉइंट्स कंसीडर किए थे ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स से हम लोग डिवाइड कर रहे थे। आप एवरेज एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हो और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, एकदम सिंपल है। I average is equal to, okay? अभी average का मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं पहले आप addition ले लेते हो, addition of all the individual values divided by total number of values, okay? अगर आप I के equation को ध्यान से देखोगे तो हम लोग बोलेंगे I is equal to I naught sin of omega t, यानी हम लोग बोलते हैं I depends on what, omega t, और you can say I depends on, अभी ये जो साइन ओमेगा टी है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आई इज नथिंग बट इक्वल टू आई नॉट, ओमेगा टी इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, तो उसको मैं थीटा लिख देता हूं, ओके यहां पे ऊपर लिख देता हूं थीटा इज इक्वल टू वॉट ओमेगा टी। सो हमें क्या मिला, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो कैन आई से द करेंट आई डिपेंड्स ऑन वॉट, आई नॉट इज कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ द थीटा, एंड थीटा क्या है, थीटा इज द फेस। तो हम लोग बोलते हैं फेस का मतलब क्या हो, अगर फेस टू पाए, फेस टू पाए का मतलब एक साइकिल हो गया, फेस फोर पाए उसका मतलब क्या है, दो साइकिल ऑफ करंट हो गए। ये आपको आ रहा है समझ में, अगर मैं बोल रहा हूं फेस इज इक्वल टू 20 पाए इसका मतलब करंट के 10 साइकिल्स हो गए, ओके तो ये थीटा क्या है, थीटा इज रिप्रेजेंटिंग द फेस फॉर वन साइकिल, ओके फॉर वन साइकिल आई एम गोइंग टू से इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ओके आई एवरेज इज एडिशन, एडिशन की जगह पर मैं डाल देता हूं ओके इंटीग्रेशन का साइन, ओके I depends on theta. Theta का वैल्यू क्या है, इट इज बिटवीन 0 टू 2 pi. ओके दिस इज गोइंग टू बी I into d theta upon integration of d theta. ओके बिटवीन द लिमिट्स फॉर वन कंप्लीट साइकिल, यानी 0 से 2 pi. और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान में रख लो, लर्न कर लो, ओके क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। मैं वापस बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट, ओके इनकरेक्ट और कुछ पार्ट जो है वो कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए मैं आपको ये अलग से बता रहा हूं। तो ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना, ओके अब ये फॉर्मूले में मैं चाहता हूं आप लोगों ने एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो जीरो टू टू पाए
दोनों जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन में सेम लिमिट्स रहने वाले। आई का जो वैल्यू है वो मैं डाल देता हूं आई नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट? थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज गोइंग टू बी एक्स, और इसका लिमिट क्या है? जीरो टू टू पाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू पाई, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दिया आई नॉट, और रहेगा क्या आपके पास? इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन थीटा के लिमिट्स डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू पाई माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, दैट इज गोइंग टू बी वॉट? ओके, डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो कॉस का जो डेरिवेटिव है, ओके, दैट इज माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? इट विल बी माइनस कॉस। ये आप लोगों ने मैथ्स में सीखा हुआ है। बिटवीन लिमिट्स वॉट? जीरो टू टू पाई अपॉन टू पाई माइनस जीरो, दैट इज गोइंग टू बी टू पाई। ओके, अब मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं कि ये मेथड से भी अभी आपका आंसर क्या आएगा? इट विल कम एज जीरो। ओके, सो लेट अस से आई नॉट एज इट इज। ओके, वॉट इज कॉस ऑफ टू पाई? ओके, कॉस ऑफ टू पाई इज गोइंग टू बी वॉट? इट इज गोइंग टू बी, ओके, माइनस साइन भी मैंने एक काम कर लिया। ओके, माइनस साइन जो है नेगेटिव साइन है उसको भी बाहर ले लेते हैं। ओके, माइनस साइन बाहर ले लिया, आपके पास रहेगा कॉस ऑफ थीटा बिटवीन लिमिट्स जीरो एंड टू पाई अपॉन टू पाई, ठीक है? ये हो गया आपका माइनस आई नॉट। वॉट इज कॉस ऑफ टू पाई? कॉस ऑफ टू पाई इट इज गोइंग टू बी वन माइनस कॉस ऑफ जीरो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वॉट? वन। सो कॉस ऑफ टू पाई इज प्लस वन, प्लस वन माइनस कॉस ऑफ जीरो विच इज गोइंग टू बी वन, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई नॉट इंटू ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन टू पाई। इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? इट विल कम एज जीरो एम्पियर। ओके, यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी मेथड यूज कर लो, ओके, आप ये फॉर्मूला भी अगर लगाते हो तो भी आपका आई एवरेज क्या आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो फिर आई एवरेज डिफाइन ही क्यों करना है? ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं आई एवरेज हम लोग डिफाइन करते हैं, बट एक साइकिल के लिए नहीं, वी डिफाइन इट फॉर हाफ ऑफ द साइकिल। ओके, और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आई विल डू इज आई विल इरेज दिस पार्ट। तो हाफ साइकिल के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? ओके, फॉर हाफ साइकिल विल से, ओके, आई एवरेज का सेम फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। आई एवरेज विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब हाफ साइकिल के लिए जीरो टू टू पाई नहीं लेंगे हम लोग, लिमिट लेंगे जीरो टू पाई। ओके, आई डी डीटा की जगह पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं आई जीरो साइन थीटा डी थीटा। ओके, होल अपॉन, ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डी थीटा बिटवीन लिमिट्स जीरो टू पाई फॉर हाफ साइकिल, जीरो से लेके पाई इसके बीच में आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं आई नॉट जो है, ओके, उसको बाहर ले लेता हूं और डायरेक्टली लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा विच इज बिटवीन लिमिट जीरो एंड पाई। ओके, होल अपॉन, ओके, डी थीटा जो है तो वो हो जाएगा थीटा बिटवीन लिमिट्स जीरो एंड पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहिए तो आप माइनस साइन बाहर ले लो कॉमन। ओके, व्हाट यू विल गेट इज, ओके, दिस इज गोइंग टू बी माइनस आई नॉट, ओके, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो होल अपॉन, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस जीरो। ओके, माइनस आई नॉट एज इट इज। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, प्लीज चेक। सो मैं बोलूंगा कि जो कॉस पाई है, ओके, कॉस पाई का वैल्यू आएगा, इट इज गोइंग टू बी माइनस वन, कॉस जीरो का वैल्यू प्लस वन आने वाला है, ये नेगेटिव एज इट इज प्लस वन अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? पाई। ओके, यस, और ये जब आप सॉल्व करोगे, ओके, तो ये आपका हो जाता है माइनस आई नॉट इंटू माइनस टू अपॉन पाई।
तो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे, ओके मैं ये साइड थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, आपको मिलेगा आई एवरेज, दिस एवरेज इज फॉर हाफ साइकिल विल बी इक्वल टू, ओके कैन आई से माइनस आई नॉट इंटू माइनस टू, दैट इज गोइंग टू बी प्लस टू आई नॉट अपॉन पाए, ओके विच इज इक्वल टू टू अपॉन पाए, टू अपॉन 3.142. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आता है 0.637 टाइम्स आई नॉट, ओके ये है आपका आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, ओके आप ऐसे बोल सकते हो फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल, ठीक है नेगेटिव हाफ के लिए सॉरी नेगेटिव हाफ के लिए हम लोग बोलेंगे आपको यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, माइनस 0.637 आई नॉट, ओके प्लीज नोट दिस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट, ओके यानी रूट मीन स्क्वायर क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है प्लीज नोट दिस, ओके एनीवे तो जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया था उसमें हमें आई एवरेज ओके फॉर हाफ साइकिल वो आपको मिला 0.637 टाइम्स आई नॉट, आई एवरेज फॉर वन साइकिल दैट इज इक्वल टू व्हाट जीरो। अब देखो कभी भी कोई भी चीज़ हमें डिफाइन करनी है तो कंप्लीट साइकिल के लिए करनी है, ठीक है तो फिर कंप्लीट साइकिल के लिए ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके दैट इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके सबसे पहले अगर मैं मीन स्क्वायर की बात करूँ, मीन स्क्वायर यानी क्या रहेगा, तो अगर मैंने यही पॉइंट्स पकड़ लेता हूँ ओके तो मैं बोलूँगा सबसे पहले मीन स्क्वायर वैल्यू मैं बात करता हूँ, मीन स्क्वायर यानी टेकिंग स्क्वायर ऑफ ऑल द करंट्स, ओके यानी ये आपका हो जाएगा आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर प्लस आई फोर स्क्वायर प्लस आई फाइव स्क्वायर बराबर है, ओके प्लस आई सिक्स स्क्वायर प्लस आई सेवन स्क्वायर प्लस आई एट स्क्वायर प्लस आई नाइन स्क्वायर, ओके यस डिवाइडेड बाय व्हाट 9, ये हुआ मीन स्क्वायर। और आरएमएस का मतलब क्या, तो जब मैं आरएमएस की बात करता हूँ तो इसके आरएचएस पे एक रूट साइन लग जाता है, दैट इज गोइंग टू बी रूट मीन स्क्वायर, ठीक है रूट मीन स्क्वायर में फायदा ये रहता है कि भले ही आई टू का अपोजिट आई सिक्स है लेकिन जब हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इसका वैल्यू 6 एम्पियर है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एंड दिस इज माइनस 6, तो जब नॉर्मल एवरेज करते हैं तो 6 और माइनस 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जब मैं रूट मीन स्क्वायर लेता हूँ तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और माइनस 6 का भी स्क्वायर क्या होगा इट इज गोइंग टू बी प्लस 36। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में रूट मीन स्क्वायर जब निकालते हैं हम लोग, ओके यस तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज आई आर एम एस, ओके तो आई आर एम एस मेथड में आप हर एक वैल्यू का स्क्वायर लेते हो, उनको सबको ऐड करते हो, ओके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय विल से, ओके या यू कैन से एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके ये क्लियर है। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन ये वाला जो मेथड है ना वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कितने पॉइंट्स मैं प्लॉट करूँगा या कितने पॉइंट्स पे मैं मेजरमेंट लूँगा वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विल गो बाय द प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द मीन स्क्वायर वैल्यू, पहले हम लोग मीन स्क्वायर निकालेंगे आरएमएस नहीं, ओके सो व्हाट विल डू इज विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर एवरेज, जैसे आई एवरेज है ना वैसे आई स्क्वायर एवरेज निकालेंगे। तो आई एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला था, ओके आई एवरेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट वॉज इंटीग्रेशन 0 to 2 pi आई इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बिटवीन लिमिट 0 to 2 pi। अब आई स्क्वायर एवरेज जो रहेगा, ओके चाहिए तो इसको आप स्मॉल आई निकाल दो, आई स्क्वायर एवरेज जो भी आपका आई स्क्वायर एवरेज है यानी मीन स्क्वायर हुआ, ओके दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब ये कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस पार्ट, ये जो विदाउट रूट वाला पार्ट है ना वो निकाल रहे हैं, तो इसको आरएमएस भी मैं निकाल देता हूँ। अभी हम लोग
मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं ऑफ ऑल द करंट्स. मीन स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, आई स्क्वायर का एवरेज. और आई स्क्वायर के एवरेज के लिए फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आई के जगह पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा. ये क्लियर है? ओके. सो अगेन डायरेक्टली डिनोमिनेटर जो है, कैन आई से दिस विल बी थीटा बिटवीन लिमिट्स 0 टू 2 पाई. आई स्क्वायर जो है, तो आई स्क्वायर को मैं क्या डालूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट इट एज आई जो था हमारा, आई क्या था, दैट वॉज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके. और यू कैन से आई नॉट साइन थीटा. तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी आपका बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. ओके. बिटवीन लिमिट्स 0 टू 2 पाई. ओके. यस. इसको चाहिए तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू बी ओके. डिनोमिनेटर जो है दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई माइनस 0. डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 पाई. यहाँ से आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं. ओके. इंटीग्रेशन वैसे ही रखता हूँ मैं 0 टू 2 पाई. और जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. ओके. तो बेसिकली जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोगों ने ये सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आया समझ में, ओके, यस, तो आप आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली देख सकते हैं. ओके. और इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप मैथ्स के सर या फिर मुझे भी पूछ सकते हो. ठीक है. बट एनीवे लेट मी रिपीट दिस. साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. ठीक है. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू इज, ये जो अपॉन 2 है ना उसको बाहर ले लेते, तो आपको क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2. अपॉन 2 यानी वो नीचे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके. इनटू ब्रैकेट में अभी क्या करेंगे, विल सॉल्व द इंटीग्रेशन. तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ओके डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा. ओके. यहां पे जो लिमिट्स है वो 0 से 2 पाए, इधर भी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाए. ये मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया. ओके. एंड डेफिनेटली कॉस 2 थीटा के साथ डी थीटा भी आएगा, यानी डी थीटा मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. यस. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज दिस स्पेस, इसको निकाल देता हूं मैं. ओके. प्लीज पे अटेंशन. ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर एवरेज, दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई. ओके. इंटीग्रेशन डी थीटा 0 टू 2 पाई. ओके. तो जैसे हम लोगों ने यहां पे उसको सॉल्व किया था 0 टू 2 पाई, आंसर क्या आया था हमारा, 2 पाई आया था. वैसे ही इसका डायरेक्टली आंसर मैं 2 पाई लिख देता हूं, चलेगा? ओके. और यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, ओके, दैट विल बिकम व्हाट, साइन 2 थीटा अपॉन 2. ओके. देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या रहने वाला है, साइन रहेगा, लेकिन यहां पे अपॉन 2 आएगा. ओके. यस. तो इसमें भी हम लोग यहां पे लिमिट लगा देंगे 0 टू 2 पाई. ओके. अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप 2 थीटा की वैल्यू पहले 2 पाई सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम साइन 4 पाई. साइन 4 पाई का वैल्यू क्या है, 0. माइनस थीटा का वैल्यू 0 डालोगे तो वो क्या रहेगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0. साइन 4 पाई इज 0, माइनस साइन 0 इज ऑल्सो 0. तो ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0 माइनस 0 अपॉन 2. तो एट दी एंड आप ऐसे बोल सकते हो ये पूरा टर्म जो है, दिस वन, दिस गोइंग टू बी व्हाट, 0. बचेगा क्या, सिर्फ ये ब्रैकेट में का 2 पाई. तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर एवरेज इज नथिंग बट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 4 पाई इंटू 2 पाई. ओके. कैन आई से 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा. तो ऐसे केस में आप बोलोगे आई एवरेज आपको क्या मिला है, इट इज आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2. ओके. बट हमें क्या निकालना है यहां पे, आई एवरेज यानी क्या है, दिस इज मीन स्क्वायर वैल्यू. हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है. आई आरएमएस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू. स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू यानी क्या, मीन स्क्वायर वैल्यू आपका ये है आई स्क्वायर एवरेज. तो आपको आई स्क्वायर एवरेज
का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओके, आई स्क्वायर एवरेज का जो स्क्वायर रूट है, आई स्क्वायर एवरेज, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज आई स्क्वायर एवरेज, इट इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। तो आई स्क्वायर एवरेज का वैल्यू डाल देते हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू। ओके, यहां से मैं ऐसा बोलूंगा कि अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, आई नॉट एंड रूट टू का स्क्वायर, इट विल बी रूट टू। तो आपका जो आई आर एम एस का वैल्यू आता है, दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज आई नॉट अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, यानी हो जाता है आपका अप्रोक्सीमेटली 0.707। तो आपका आर एम एस वैल्यू क्या आ रहा है, इट इज कमिंग एज 0.707 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, लेकिन आर एम एस वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, ओके, तो ये हम लोग क्या करेंगे, विल सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अभी हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म निकाला है इसका, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कि आर एम एस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, वो हम लोग क्या करेंगे, ओके, डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये डेरिवेशन आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है, ये दोनों मैथमेटिकल डेरिवेशन, एक आई एवरेज का, ओके, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई आर एम एस फॉर कंप्लीट साइकिल। ओके, यस, तो ये आप लोगों ने निकाल के, या इसको अच्छे से आपने क्या करना है, ओके, प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है, यस, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं।